हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे टू टाइप्स ऑफ निमकिन। बहुत ही फटाफट से बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनता है। एक पतली टाइप की मठरी रहेगी और एक क्रिस्पी क्रिस्पी निमकिन। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसकी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं पपड़ी, जिसे हम चाट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसका प्रोसेस बनाने के लिए। ये हम छोटी छोटी पपड़ी बनाएंगे, जो कि जिसपे हम कभी भी कोई तरह के सेव पूरी, मसाला पूरी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसको बनाने का रेसिपी। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर मैदा लेंगे, और मैंने मैदा में यहाँ पर आधा कटोरी सूजी डाला है। आधा कटोरी हम इसमें बेसन डालेंगे, आधा किलो मैदा है ये। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। सूजी और बेसन डालने से क्रिस्पी हो जाता है। अजवाइन डालेंगे हम थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, बहुत ही कम तेल डालेंगे। इस तरह का हम 2 टेबल स्पून बस तेल डालेंगे। तेल हमें बहुत कम यूज़ करना है। अब इसे हम थोड़ा सा गर्म पानी डालते हुए आटा लगा लेंगे। जिस तरह से हम मठरी का आटा लगाते हैं, उस तरह से हमें इसको लगा लेना है। देखिए, अब इसे हम थोड़ी देर ढककर रख देंगे ताकि ये आटा सेट हो जाए। आधा घंटा के बाद लगभग हमें ये आटा को यूज़ करना है बेलने के लिए। आधा घंटा आप रख देंगे तो आटा अच्छे से भीग जाएगा। फिर हमें देखिए इस तरह का एक एक लोया बना लेना है, बड़े साइज़ का लोया बनाना है। अब इसे हमें बेलना है अच्छे से। आप बड़े बड़े साइज़ का इसको गोल गोल बना लें। देखिए, जितना हो सके आप पतला कर लें इसको, बहुत मोटा नहीं रखना है, एकदम जहाँ तक हो आपसे पतला कर लेना है। फिर एक कटोरी लेना है, जो भी आपके पास साइज़ का कटोरी है, उससे इस तरह से हम देखिए गोल गोल इसको कट कर लेना है। इस तरह से हम इसको पूरी का शेप दे दे रहे हैं। आप देखिए, सारे को हमें बेल कर इसी तरह से काट लेना है, और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है दोस्तों। आप लोग इसको ज़रूर से बनाएं, और एक बार इस पर आप चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब बिना सेव पूरी बनाए भी आप चाय के साथ भी इसको एज ए शिवाली या मठरी खा सकते हैं। अब हमें तेल में इसको डाल देना है। तेल हमारा हल्का गर्म है, और इसे हमें देखिए डालने के बाद मीडियम आँच पर उलटते पलटते हुए सेकना है। ज़्यादा कम भी नहीं करना है, फुल भी नहीं रखना है। मीडियम आँच पर ही हमें इसे उलटते पुलटते ब्राउन होने तक तलना है। तब तक फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी नई रेसिपीज़ या ट्रिक्स डालूँ वो सब आपको मिलती रहे। ये देखिए, ये सुनहरा होने लगा है। इस तरह का जब कलर आए, हमें इसे उलटते पुलटते हुए बाहर निकाल लेना है, कागज़ पर निकालें। और ये देखिए कितना अच्छा खस्ता पूरी हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसको आप चाय के साथ एंजॉय करें, इसके ऊपर सेव पूरी बनाकर खाएँ, मसाला पूरी बनाकर खाएँ, पपड़ी चाट बनाएं। बहुत ही अच्छा पूरी ये दोस्तों बनकर तैयार होता है, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अब दूसरी टाइप की नमकीन बनाना। निमकी बहुत ही फटाफट से बनेगी। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी टी टाइम स्नैक्स, जिसे हम निमकी भी बोल देंगे, और बहुत ही कम ऑयल में हम इसे बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए जानते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर हम मैदा को ले लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा केजी से ज़्यादा मैदा लिया है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अजवाइन, थोड़ा डालेंगे हम इसमें नमक स्वाद अनुसार, और बहुत ही कम ऑयल डालेंगे हम। लगभग 1/4 कटोरी, मतलब जो 1 कप आता है उसका 3/4 कप हम यहाँ पर ऑयल डालेंगे। और इसको अच्छे से डालते हुए थोड़ा सा हम गर्म पानी ऐड करते हुए इसको कड़ा कड़ा हमें पूड़ी की तरह आटा लगा लेना है। जिस तरह का पूड़ी होता है, देखिए इस तरह का हमें इसमें आटा लगा लेना है। आटा लगाने के बाद अगर आप इसको आधी घंटा रेस्ट करने छोड़ दें तो आटा बहुत ही अच्छा हो जाता है तैयार। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। रोटी के साइज़ से बड़े बॉल्स हमें इस तरह से इसके बना लेने हैं। इसके बाद हमें इसको इस तरह से कोई भी आप जगह पर बेल लें, चकले पे, बेलन पे, या फिर हम तो देखिए स्लैब पे ही इसको बेल रहे हैं। बड़ा बड़ा हमें बेलना है इसको, और फिर बेलने के बाद हमें इसको कट करना है। जिस शेप में चाहे आप उस शेप में कट कर लें। हमने यहाँ पर इसको पतला पतला लंबा लंबा काटा है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ऑयल रखा है गरम करने के लिए। बहुत ज़्यादा गरम नहीं हो ऑयल, मीडियम ऑयल गरम हो, इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से उलटते पलटते हुए हमें इसको फ्राई करना है। बहुत ही टेस्टी है, आप इसको 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से पलटते हुए हमें इसको फ्राई करना है, जब तक देखिए इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगी, ब्राउन गोल्डन सा दिखने लगा है। अब इसे हम अच्छे से निकाल लेंगे। तेल को झाड़ते हुए हमें निकाल लेना है इसे। कोई भी पेपर पे आप निकालें, और फिर इसको
चाय के साथ आप सर्व करें, बहुत ही टेस्टी स्नैक्स लगता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नई रेसिपीज डालूँ आपको मिलती रहे, या ट्रिक्स और रेमेडी डालूँ वो भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, सी यू सून।